ते तू अपने हथी प्रूफ तो तलाब के पेपर साइन करवा के मेरे तक पहुंचाएगा। बोल मंजूर है? आंटी जी सच कदे हारदा नहीं। ये रूप दीदी सच्चे ने, ये गल मैं साबित करके रहांगी। ठीक है फिर, मैनू तुहाडा चैलेंज मंजूर है। ठीक है, जब तक तू इत्थे वापस नहीं आ जांदी मैं किते नहीं जावांगी, ते ना ही इत्थों कोई मेहमान भी जाएगा, क्योंकि सच सब दे सामने आना चाहिए। ठीक है, तुसी इत्थे रुको, मैं हुणे आई। इस सब दी जिम्मेवार तू है। ए जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तेरे करके हो रहा है। जे हुन जा रही है तो सब कुछ सुलझा के आई, ते जे तू सब कुछ ना कर सकी तो इस घर च आने की कोई लोड़ नहीं। ए भी भूल जाई के यूवी नाल कदी तेरा ब्याह भी होया सी। एक गल याद रखी सरगुन, जे मेरी धी का करना वस सकिया ना तो तू भी इस घर च रह नहीं सकेंगी। वैसे भी तेनु याद होने चाहिए ने जो वादे तू मेरे नाल कीते ने। मम्मी इदां दी नौबत नहीं आएगी, तुसी फिकर ना करो। सरगुन जी चलो चलिए। युवराज तेरे नाल नहीं जाएगा सरगुन, गर्म सुभा है, पहला भी जाके काम बिगाड़ आया सी। मैं नहीं चाहती कि हुन भी जाके कोई तमाशा करे, तू कल्ली जा। भाई कोई डॉक्टर नू फोन करो। हुने बुला रहे, बस तुसी फिकर ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी धी नू बचा लो माता रानी, उदा घर बर्बाद होने तो बचा लो। इन्नी चंगी कुड़ी होने तो बाद भी उन्हें परीक्षा देनी पै रही है। तुसी सच सामने लेके आउन च सरगुण की मदद करो माता रानी, मदद करो। बीबी जी घबराने की कोई लोड़ नहीं, इस हालत में अक्सर कमजोरी आ ही जाती है। सुहानी तू दीदी का सिर दबा दे, आराम मिलेगा उन्हें। चलो हुण सारे जाने सरगुण की कामयाबी लई माता रानी अगे अरदास करदे आ। तू निकली कि नहीं हॉस्पिटल चो? मैं तेरे अकाउंट च ना पैसे पा चुकी हूँ, हुण सरगुण के सामने अपना मुंह ना खोली। डीएनए रिपोर्ट करे हो कुछ भी पूछे ना, साफ साफ मुखर्जी। ज्योति फोन चक के कल क्यों नहीं कर रही? उत्ते सब ठीक तो है ना? रुक तंगा बैठ आसी रुक। माता रानी जी अज तुहानू सरगुण जी का साथ देना ही पेगा। अज हजिंदर दी धी नू लत मार के हमेशा लई अपनी ते अपने पुत्र दी जिंदगी तो बाहर कट दांगे, फिर घूमदी फिरेगी अपने इंसाफ दे मंदिर च कायल शिरनी बन के। इत्थे भज के जा रही सी, इत्थे भज रही सी।
हुण तू चुप चाप रूप दीदी ने डीएनए टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट दे मैनू, नहीं तो मैं तेरी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर दांगी। मेरे कोल सीसीटीवी फुटेज भी है। नौकरी तो जाएंगी नाले सीधा जेल भी जाएंगी। असली रिपोर्ट ने मैं आ सब कुछ सिर्फ पैसे दे लालच विच आके कीता। मैनू हरली ने इन्ने पैसे ऑफर किते कि मैं मना ही ना कर सकी। मैनू माफ कर दे, प्लीज मेरे, प्लीज मैनू एक मौका दे दो। मैं इस तो बाद कदी कदी माड़ा काम नहीं करांगी। प्लीज मैनू एक मौका दे दो, प्लीज मैनू एक मौका दे दो। तेनू मौका चाहिए ना, तो फिर ये जेड़ा तू रायता फैलाया ओनू समेटन दे लई तेनू मेरे नाल मेरे घर चलना पेगा। चल प्लीज मैनू माफ कर दो, मैं बहुत ही गरीब कर दू। मैं कह दो कदी इदा नहीं करा, मैनू माफ कर दो। माफी एदा नहीं मिलती, गलती नू सुधारना पैंदा। ते जेड़िया गल्ला तू मैनू इत्थे दसियां ने ओ सारिया दी सारिया गल्ला मेरे घर जाके सारन दसनिया पैणगियां। चल दरअसल जेड़ी रिपोर्ट थोड़े कोल है वो रिपोर्ट असली है ही नहीं। रूप दीदी दी असली रिपोर्ट दे नाल ए रिपोर्ट दी अदला बदली होगी। मैं किदा मानना कि ए रिपोर्ट सही है ते पहला वाली गल? मैनू पता सीगा आंटी जी कि तुसी मेरे तो इस सवाल जरूर पूछोगे, इस करके मैं इस रिपोर्ट का सबूत अपने नाल लेके आई हूं, जिदे नाल तुहानू पता चल जाएगा कि इस रिपोर्ट की हेरा फेरी किवें हुई सी। जल्दी दस सरगुण उस इंसान का नाम जिन्हें मेरी धी उत्ते इतना घटिया इल्जाम लगाया। ज्योति अंदर आ जा। आंटी जी एक कुड़ी ही वह सबूत है जिन्हें रिपोर्ट्स की अदला बदली कर दी सी।
रूप पुत्र, मेरी तो गलती हो गई सी। मैं अन्नी हो गई सी जो तेरे ते शक किया। हो सके तो मैनू माफ कर दे। मैं हुने आई। ये भी पुत्र सरगुन दिया अखां च हंजू ने दूजा पुत्र उन्हों मना के ऐसे लिया। मैं उसनों उदास नहीं देख सकता पुत्र। उसने अज साबित कर दिता कि उस तो पद कौर नू इस घर नहीं मिल सकती। जा जा मेरा पुत्र। पापा जी मैं देखता। रुक जा यूवी, मैं जावांगी सरगुन को, तू इत्थे रुक। नौ नहीं कहवांगी तो की कहवांगी। तू मेरे नाल कीता है पहला वादा पूरा कीता। तू क्या सी कि बिमला मेरी तीनू अपना लेगी। आज बिमला ने सब दे सामने मेरी रूप नू अपना लिया। मैं सोचिया तक नहीं सी कि तू इस तरह कर पाएंगी। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं सी मैनू। मेरी रूप का घर वसाने लई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जे मेरे को कदे भी कोई गलती हुई है तो मैनू माफ करी। नहीं नहीं बीबी जी, तुसी इदा ना को, तुहानू अपने बच्चा नू डांटन दा पूरा पूरा हक है। मांग मांग ला जो मंगना है। मैं दुनिया भर की दौलत तेरे पैरों से लिया के रख दांगी। घर मकान बंगला गड्डियां पैसा जो तेनों चाहिए मांग ले। नहीं नहीं बीबी जी, मैनू पैसे गड्डी बंगला एहो जी कोई चीज नहीं चाहिए। बस मैं तो ये चाहनी हाँ कि मैनू तुसी अपने गल ना लगा लो, एक चप्पी पा लो मैनू। मैनू सब तो वध लोड़ है। आज सरगुन जी ने मेरी माँ का दिल जीत लिया। काश इदा दे पल रोज आण। अजे तू सिर्फ मेरी इको शर्त पूरी कीती है, बाकी दे वादे पूरे करने बाकी ने। याद है ना? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਰਲੀਨ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰਲੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਡਮ,
तुहाडी शक्ल साफ दस रही है कि तुसी इस कुड़ी नूं जानदे हो। युवराज ये सारे वर्कर्स कित्थे चले गए? पता नहीं सरगुण जी, हुणे तां इत्थे सीगे। सरगुण जी वो एक हो वो हरलीन इदा क्यों लुकी हुई है? एक काम कर दे, चलो आप पता कर दे। हाँ। ये तो नाल मैं हुने गल करता हूं। नहीं युवराज, इत्थे खड़ा होके वेख कि ए उस गड्डी दे पिछे लुक के कर की रही है। युवराज ए पक्का उस आदमी को डर रही है जिहदे नाल ज्योति गल कर रही है। पर सरगुण जी आखिरकार है कौन बंदा? एक काम कर दिया आप पता कर दिया है ना, चलो। ए तो वे इत्थे कित्थों आ गए? मैं तां राजवीर वाले जा रहे ने, हुण की करो? जवाब दे उना दी गल दा। कुछ भी, मैं तां लुकी नहीं सी, ओ तां मेरा एयररिंग टिक गया सी, ओ लभ रही सी, ओ मिल गया ते हुण मैं अंदर जा रही सी। युवराज हरलीन झूठ बोल रही है, क्योंकि जो ये कार दे पिछे लुकी हुई सी उदो मैं आप वेख्या इहदे दोनों कन्नां च इहदे एयररिंग सीगे। इहदा मतलब गल कोई हो रही है। की? पर सरगुण जी ऐ हरलीन नूं झूठ बोलन दी की लोड़ सी? मेरा मतलब है उन्हें केड़ा नवा नाटक करन दी सोच रही है। पता नहीं युवराज, पर इस कुड़ी दे उत्ते बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सरगुण जी, मैनू भी कुछ इदा ही लगता है, तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। चंगा सरगुण, युवराज असी हुण चलते हैं। पुत्र अज दा फंक्शन ते सच्ची बहुत ही वधिया होया, ते मैनू ए वेख के ते सब तो ज्यादा खुशी हुई कि बिमला भैन जी ने रूप नूं दिलों अपना लिया है। मम्मी जी, ऐसा कुछ तो सरगुण जी ने थोड़ी दी हुई परवरिश का ही असर है। अच्छा अच्छा, बस बस, हुन मेरिया तारीफा बहुत हो गया, हुन तू अंदर जा, मैं मम्मी जी दे नाल बहुत जरूरी गल करनी है। वाह सरगुण जी, कमाल है, हैं आधी होगी। मम्मी जी वेख्या किदा एक सेकंड च इन्होंने मैनू अपने तो वखरा कर दिता। तुसी आप ही वेख लो। सरगुण, तेरी ते तेरे इस घर दी खुशियां नूं किसे दी नजर ना लगे। अज तक मैनू इस घर च जिन्ना प्यार मिलिया ना, वो सब कुछ थोड़ी परवरिश करके मिले। मैं तो बस अज तक थोड़िया सिखाईया सारिया गल्ला याद रखिया ते मेरे रस्ते बनते रहे। बस पुत्र, इदा ही अपना ते अपने घर दिया दा ख्याल रखी। चंगा। हां जी दीदी, सानू थोड़े ते ना बहुत मान है। अच्छा, हुन तू मम्मी जी दा ख्याल रखी, हुन तेरी जिम्मेदारी है। आहो आहो, तुहाडी भैण आ, थोड़े जे गुण तां मेरे च भी हैगे ने। बिमला आंटी जी, आज सरगुण जी ने ना थोड़े लिए स्पेशल थाली बनाई है।
वाह मजा आ गया, टू गुड। सच्ची सरगुण स्वाद होवे ता एदां दा, सच्ची बहुत स्वाद बनया। मेरी सरगुण दी ता गल ही वखरी है। आशा दे नाल हाथ वंडाउन दा सालां दा तजुर्बा है दा, बस उसे गल दा नतीजा है। आंटी जी जिन्नी देर तक रूप दीदी की डिलीवरी नहीं हो जाती कि वो इत्थे रह सकते ने? एदे च पुछण वाली केड़ी गल है? इत्थे दा ख्याल रखण लई तू ते हजिंदर दोवे हो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, बस फिर इहदा मतलब हरमन जीजू नू रूप दी नू फिर तो लुक लुक के मिलना पेगा। ये गल है जीजू। ओदा भी रूप नू थोड़े दिन इत्थे रहना चाहिए। मम्मी आके तुसी कह रहे हो सब कुछ ठीक चल रहा सीगा, हुण तुसी फेर? पुत्तर मैं सही कह रही हां, अज जो तेरे नाल है पता नहीं कल वो रहे के ना रहे। आंटी जी ऐ किदां दी गल कर रहे तुसी? इस टाइम घर छोड़न दी जगह तुसी घर तोड़न दी गल करदे पे हो। लै मैं कदों घर तोड़न दी गल कीती है? मैं ते बस इन्ना ही कह कि जमाना खराब है, टाइम दा कोई भरोसा नहीं है। किते ए गल बिगड़ ना जाए, युवराज दा दिमाग गरम है। तुसी सारे जाने की गल्ला करी जा रहे हो, गल्ला तो बाद च भी हो जाएंगी। आप रोटी खा लो तुसी सारे। चंगी तरह समझती हाँ मैं तेरी चलाकी बिमला, तू इस मौके का फायदा चुक के अपना फायदा करना चाहनी है। बच्चो ऐदा दिया गल्ला दे फैसले डाइनिंग टेबल ते बैठ के होंदे ने। तू मेरे घर विच बैठ के मेरी रोटी खा के मेरी धी दे बच्चे का मुल पा रही है? सौदा करना चाहनी है मेरे नाल? मैं तेरी धी की भलाई की गल कर रही हूं ते तू मैनू लालची साबित कर रही है? मैं वो घर अपने लिए नहीं रूप ते ओदे आन वाले बच्चे दे लिए मंगया सी। पर तू अपनी असली औकात दिखाई देते ना हजिंदर, तू सिर्फ वड्डियां वड्डियां गल्लां कर सकती है। मैं अपने दोते लिए आ करांगी, मैं अपने दोते लिए ओ करांगी। लालची तो तू है, जे तू अपने मुंह सब ने ना मंगदी तां मैं तां तैनू बहुत कुछ दे देना सी बिंदा। पर खैर जे तू अपनी असलियत दिखाई दित्ती है ना तां हुण मैनू भी कुछ सोचना पेगा। हुण शुरू होएगा नवा युद्ध, रोक सकती है तां रोक ले सरगुण। बड़े सालां तों जानदी हां मैं तैनू, तेरे दिमाग च कदों ते केड़ी खिचड़ी पक रही है ना चंगी तरह जानती हां मैं बिमला। तेनू पैसे चाहिए सी ना ते मांग ला अपने मुंह, दे दिंदी मैं तेनू। पर मेरी धी दे होण वाले बच्चे दा नां लैके अपने शौक पूरे करन दी कोशिश ना कर बिमला। बच्चे दा नां लैके क्या होया पापा जी? तुसी आज तक सुते नहीं? हुण तां सब ठीक हो गया ना? ठीक होया नहीं पुत्र, हो गया सी वो ते जिन्नी छेती ठीक भी नहीं होया सी उन्नी छेती बिगड़ गया। पता नहीं रब इस परिवार की
ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੱਚੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਮਲਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਲੀਨ ਹੈ ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਤੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਕੇਵਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਵਾਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਬਿਮਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੀ ਸੀ ਦੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਛੱਡੋ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਵੈਲੇ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਸਮਝਾ ਮਿਸਟਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਲੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹਰਲੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ
थोड़े कोल ता सारी दुनिया ही आंदी है। मेरी हरलीन नू भी किसे ना किसे कारण इत्थे बुला लवो। इसका मतलब है कि वो मेरा वहम नहीं सी। हरलीन नू मैं इसे गड्डी विच वेख्या सी ते नंबर भी ऑलमोस्ट वही है। मतलब ज्योतिष महाराज की गल सच निकली, हरलीन इत्थे ही है इसे मंदिर च। हरलीन पक्का मैनू मंदिर च ही लभूगी। तुसी बस ऐ दसो कि इहदियां गलतियां सुधारे किवें जाए। जेकर व्याह जोड़ा नवरात्रियां दे पहले दिन तो लैके वर्त रखे ते पूजा करे तां इहदे पाप कट्टे जाणगे। महाराज कोई भी व्याह जोड़ा कर सकदा है। सिर्फ ओही व्याह जोड़ा जिहड़ा इहनूं जानदा होवे। महाराज जी हरलीन दे पाप कटन वास्ते मैं ते युवराज असी दोवें वर्त रखांगे ते पूजा विच भी बैठांगे।